सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो बहुत दिनों से यार ब्लॉग बनाया नहीं जा रहा था, शायद लॉकडाउन की एक आदत पड़ गई कि घर में बैठे बैठे कहीं जाने को नहीं मिल रहा है और कहीं आउटिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे। तो बहुत सारे लोग पूछने लगे यार कि क्या बात है नुमान भाई, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था और इसलिए बहुत सारी रिएक्शन वीडियोज़ वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पोस्ट करता गया। रमज़ान का मंथ चालू हो गया है एंड अभी 5 बजे बाहर जाकर कुछ ख़रीदी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिलता है वॉशिंग गेट पर, तो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और अगर हो सके तो शाम में कहीं खाने के लिए, क्योंकि रोज़े में हम टेस्ट वगैरह तो नहीं कर सकते, अगर हलीम हरीज खाने को मिल जाता है या फालूदा टेस्ट करने को मिल जाता है तो इस ब्लॉग पर ज़रूर अपलोड कर दूँगा। सो प्लीज़ पूरा देखिए ब्लॉग और प्लीज़ बताइए कैसा लगता है। ओके थैंक्स। तो रोज़े में वॉशिंग गेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा रमज़ान के अंदर फूड स्टॉल्स लगते हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग हॉकर्स वगैरह लेकर यहाँ पर अपनी छोटा मोटा कारोबार है वो लेकर यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वॉशिंग गेट के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर जो हमारे जिनसी के PI है केंद्रीकर साहब वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं आप सुरक्षा वगैरह है, बसेस है, वैन है और भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रोशन गेट है और ये उसका कंपाउंड एरिया है और यहाँ पर जिनसी के PI साहब हैं बैठे हुए और यहाँ पर सारे जो पुलिसमैन होते हैं यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह भी देते हैं और रोज उनकी एक थोड़ी सी मीटिंग वगैरह होती है। सो PI साहब को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ लॉकडाउन में और स्पेशली रमज़ान में, जिस तरह से सारे पुलिसमैन सपोर्ट करते हैं और रोशन गेट को सुरक्षा देते हैं और मदद करते हैं, शायद ही कोई दूसरा एरिया का PI इतनी मदद करता हूँ। सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल दी पुलिस मैन ऑफ जिनसी, थैंक यू सो मच। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फूड्स वगैरह खरीदी करेंगे यहाँ पर कुछ फ्रूट्स की और लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, तो ये ब्लॉग में मैं आपको जो मेन स्टॉल्स है वो बताऊँगा, थोड़ा सा वॉशिंग गेट के जो फूड हॉकर्स है और जो फ्रूट्स है हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो 2 साल जो कोरोना के गए हैं, कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आज हम देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोग जो है तो हॉकर्स हाथ गाड़ी वगैरह लेकर अपना कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान सेल कर रहे हैं। पिछले 2 साल से बहुत ही बुरा हाल था और इतने ज़्यादातर ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था। सो चीज़ें नॉर्मल हो रही है। 1 किलो तरबूज बताइए, 1 किलो है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ें जो है तो अक्सर एक ही जगह से ना ख़रीदूँ बल्कि अलग अलग जगह से ख़रीदूँ ताकि कि सभी का फ़ायदा हो और ऐसा करने से हमें भी फीडबैक्स मिलते रहते हैं। ये जो चार्ट वाली चीज़ है वो अभी भी मेरे टू डू लिस्ट में है, इसे मैंने अभी तक खाया नहीं है। और यहाँ पर आ गए हूँ मैं हमारी नसरा होटल, जो कि आपने देखा होगा कई दफ़ा, मैंने इसके व्लॉग्स भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप पे राइट हैंड साइड में एक आई का बटन दिखेगा जहाँ पर नसरा होटल की रिसेंट वीडियो आपको नज़र आएगी, उसे क्लिक करिए और ज़रूर देखिए। तो तलन के लिए नसरा होटल बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक चीज़ है जो स्पेशली रमज़ान में मिलती है नसरा होटल पर, वो है कैरी का शरबत। सो फ्रेश कैरी शरबत पीना है तो ज़रूर आइए। यह है वसीम भाई की किराना शॉप जहाँ पर अक्सर मैं जो भी ग्रोसरी वाले आइटम्स है यहाँ से परचेज़ करता हूँ। रमज़ान में यह ख़ास तौर की चीज़ें रखते हैं और जैसे कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है, शरबत से लेकर बहुत सारे अलग अलग मसालों तक। सो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ पनीर मसाला और ये देखिए बिल्कुल एंड वक्त पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तैयार शरबत खस का, ये मैंने ट्राई किया था 2 साल पहले, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, आप लोग भी ट्राई करिए। तो
सोहेल नाम है। अच्छा, क्या बेच रही है? अच्छा अच्छा, कितने का है बोले? 45 रुपए। अच्छा, 85 के 2। अच्छा, तो कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर रहते हो? क्या बाजार? कितने खरीदी होगी आज? कितनी खरीदी होगी अभी तक? ये बता, कौन कौन देखते हैं? आप चलाते हो क्या? कौन देखता है? अच्छा अच्छा, चाइल्ड लेबर एक हमारे देश में बहुत ही बड़ा मसला है, लेकिन ऐसे कुछ हालात है कि जिसकी वजह से उस मसले का कोई हल नहीं। ऑलरेडी 5:30 के ऊपर बज चुके हैं और रोज़ा इफ्तारी करने के लिए बहुत ही कम समय है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस व्लॉग के ज़रिए कि देखिए, यहाँ तक बड़ी मुश्किल से जो रमज़ान की इफ्तारी के हॉकर्स होते हैं, हाथ गाड़ी होती है, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भर पाती है। पहले बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन हुआ करती थी, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो गया कि लाइन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और ये देखिए, रॉन्ग सिग्नल से भी आते जा रहे हैं लोग, अल्लाह तौफीक दे। सो आई थिंक कोविड सिचुएशन इन सारे हालात की बहुत बड़ी ज़िम्मेदार है। हम लोग कुछ पिछले 2 साल से हम सबके ओपिनियन चेंज हुए, नज़रिए चेंज हुए हैं। किसी को लगा कि कोविड जो है तो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक झूठी सी बीमारी फैलाई गई। किसी ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, क्योंकि देखिए, अब कोई भी इंसान अपने जान को धोखा नहीं दे सकता है। हर एक के पीछे अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, उसकी फैमिलीज़ को लेकर जिम्मेदारी है। तो फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में ये सारी हालात देखने को मिले हैं। कोई किसी से मिल नहीं रहा है जल्दी से। वो इस वजह से हुआ है कि लोगों को लगा कि भाई ये बीमारी ख़तरनाक है, जानलेवा है, और जिन्हें बीपी है, शुगर है, तो वो लोग वो ज़्यादा इस बीमारी से बच रहते हैं, और बचना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम सबको एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को लगा कि वैक्सीन्स ले लेना चाहिए, तो उन्होंने वैक्सीन्स ले लिए, और किसी को वो झूठे सर्टिफिकेट्स मुबारक जिन्होंने पता नहीं कहाँ से बनाए, कैसे बनाए। सो वीडियो बनाते बनाते देखिए, ऑलरेडी ऐलान हो चुका है। और यहाँ पर जो फारूक भाई है, मैं उनके शॉप पे आया और वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि रोज़ा आप यहीं खोल लो। सो काफ़ी अच्छा लगा उन सारे हाथ गाड़ी वाले लोगों के साथ रोज़ा खोलते हुए। अरे लेता लेता अंग्रेज आदमी पहले चलिए तो मार हो गया इधर आ पहले ले लो ये ले आओ इधर क्या ये लस्सी की है तो फारूक भाई मैं जब बहुत छोटा था तब से यहाँ पर फारूक जूस सेंटर चलता था, और आई थिंक रोशन गेट की पहली जूस की दुकान थी फारूक भाई की। और अभी यहाँ पर फ्रेश सेंटर बोलकर सारे वेज और नॉन वेज चीज़ यहाँ पर वो सेल करते हैं। और यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते ही लस्सी ट्राई किया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि आप बिरयानी और दूसरे जो नॉनवेज आइटम्स है वो बनना चालू जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग पार्सल्स भी लेके जाते हैं। सो कुछ ही देर के बाद मगरिब हुई और मुझे फैसल भाई का फ़ोन आया कि वो रोशन गेट कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फूड टेस्ट करने के लिए आने वाले। सो मैंने जो यहाँ पर एक शोरमा है ईरानी टी के पास, तो मैंने वो प्रेफर किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई दफ़ा शोरमा खाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रोशन गेट शोरमा के लिए ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, बट क्योंकि यहाँ पर बैठ के खाने के लिए जगह थी, तो मैंने इंकरेज किया कि यार यहाँ पर आइए, हम लोग शोरमा टेस्ट करते हैं। सो पहले तो सिर्फ 2 लोग थे, फैसल भाई और मुनीब भाई, फिर बाद में मुबशिर भाई भी आए, और उनके साथ जो एक छोटा सा पीस था उसके और उसको और कट किया गया, उसके और पीसेस किए गए, जिसकी वजह से हमारे दिल में भी पीसेस बन गए, शोरमा और छोटा हो गया। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें खानी थी, तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये शोरमा काफ़ी अच्छा है, आप सभी लोग ट्राई करिए, SND तहारी के बिल्कुल सबसे आखिरी में। वो होने के बाद फिर हम यहाँ पर रोशन गेट पे एक बहुत ही मशहूर कबाब है, जिनको सांडू भाई के कबाब से जाना जाता है, तो हमने कबाब ट्राई किए।
कुछ देर खाने के बाद पता चला कि मुदस्सिर भाई भी आने वाले हैं, तो हम उनके लिए भी काफ़ी देर से वेट ही कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ट्रैफिक की वजह से उनका थोड़ा रोशन गेट एरिया में आना, मतलब कि जल्दी आना थोड़ा मुश्किल था। सो यहाँ पर एक और एक चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, फ़िश। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो फ़िश भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बनाते हैं सांडो भाई कबाब। सो फाइनली मुदस्सिर भाई आ चुके हैं और हम जिस होटल पे खड़े थे उसका नाम था हैदराबादी हलीम, जो कि सबसे पहले रोशन गेट पे आने वाली हलीम की होटल थी। तो ये एक महीने ही रहती है और बाद में हलीम का सीज़न चले जाता है, रमज़ान में लोग अक्सर हलीम को टेस्ट करते हैं। सो अगर रोशन गेट पे आप अगर हलीम खाना चाहते हो सो हैदराबादी हलीम जो सबसे बेहतरीन जगह है। बताइए सही है। सबसे एक्सपेंसिव पापा के लिए, आपके बचार नींबू देखिए, नींबू से धो लीजिए, नींबू से आप और भी क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये नींबू वाली फीलिंग आ रही है। क्या बोलना चाहेंगे नींबू के बारे में आप? इनके भी घर में झाड़ दिख रहा नींबू। पैसे लगे भी घर में नींबू के झाड़ है, लेकिन वो अलग बात है, उसमें नींबू नहीं आ रहे। कुछ नहीं, एक्सपेंसिव चीज निकालना है भाई। पहले वो हीरे के उसके फ्रेम बनाते थे लोग, डायमंड के। चलो चलेंगे। सो अब बैठे बैठे ये प्लान हुआ है कि बुडुलैन का फालूदा टेस्ट करते हैं। सभी को पता है बुडुलैन का फालूदा बहुत ही मशहूर है और ये रोशन गेट में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। सो सबने अपनी अपनी बाइक्स लिए और फालूदा के लिए निकल पड़े। ये क्या है ऐसा, ये हेलमेट? ये पहले ये बोलो भाई, आप हेलमेट हेलमेट जो है तो पीछे बैठने वाले ने क्यों पहना और सामने वाले को क्यों नहीं पहनाया गया? कल का रोजा होगा। बुडुलैन बहुत सारे होटल्स के लिए जाना जाता है और स्पेशली नॉन वेज फूड, और यहाँ पर हमारे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि एक जगह है जहाँ पर फालूदा बहुत अच्छा बनता है, और देखिए आगे होता है क्या। ये है अमन मनियार जो कि वेडिंग शूट करते हैं, इनके हाथों में जादू है बेसिकली। सो ये जो भी रिकॉर्ड वगैरह किया है फालूदा का, ये सब अमन ने किया है। मसला यहाँ पर ये हो गया कि जो आपको इतना अच्छा फालूदा यहाँ पर लग रहा है वो टेस्ट में बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये जो लोकेशन है वो छोड़ना पड़ा और हमें दूसरे फालूदा पर जाकर ऑर्डर करना पड़ा। सो भीड़ तो यहाँ पर थी नहीं, गलती हमारी हो गई, और हमने देखा कि यार भीड़ तो कहीं और जगह है,
तो जो ये अनवर साहब का मशहूर फालूदा है जिसका नाम है बॉम्बे फालूदा, तो हमें यहाँ पर ऑर्डर करना पड़ा। मूड बन जाएगा, मूड बन जाएगा। बैग मुझे बैग पांच गुलाब गुलाब नहीं सॉरी मुदस्सिर में देखा। अरे वो फैसल भाई कुछ बोल भाई बोल चालू नहीं है। हाँ बशीर भाई, बशीर भाई इधर आ जाओ। हाँ ये फैसल भाई कुछ बोल भाई। वो तो भाई कौन सी क्या गलती हो गई थी हमसे जो आपने हमको वहाँ पर एक ही ऑर्डर नहीं होगा। मैं बोला क्या गलती हो गई थी हमसे वहाँ भेज दिया हमको आलूदा खाने को भाई। भटावा दूध था पूरा वो। हाँ बोलो फालूदा अच्छा था लेकिन बोल रहे हो नहीं यार सबसे गंदा फालूदा था रे भाई। सबने छोड़ दिया फालूदा बस मैंने पैसा वसूल करा मैं एक कहावत के चक्कर। मेरी एक रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, अगर आप बुड्डी लेन में हो या रोशन गेट में हो, बिस्मिल्ला शरबत है जो कि एप्पल मैंगो फ्लेवर्स में बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है। सो अगर आप इन प्लेसेस पे हो तो प्लीज़ मस्ट ट्राई करें। थैंक यू। और ये आ रहे हैं हमारे फैसल भैया मुदस्सिर भाई फालूदा पीकर। फैसल भाई को लगी बहुत जोर की प्यास। फैसल भाई कैसा था आपका आजकल? भाई बहुत प्यास लग गई मेरे को तो। प्यासा है मेरे मैं। द प्यासा द न्यू प्यासा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि अभी तक का ये हमारा फूड ब्लॉग का सफर था, रोशन गेट और बुड्डी लेन के जो मेन एरियाज थे वो हमने थोड़े अच्छे से कवर किए एंड काफ़ी मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबको रमज़ान मुबारक और इंशाल्लाह ताला ईद भी मुबारक और दुआ की दरख्वास्त। चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।